बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक फूस पटाखा मान लिया है और कांग्रेस ने भी उनको कोई घास नहीं डाली है। जी हां, जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि जिंदगी मेरी आवाज सुनो रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जरूर ये चेतावनी दी कि अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन यूं ही जारी रहा तो वो बीजेपी को छोड़ देंगे, लेकिन उनकी धमकी का भी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी ने साफ तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों को नसीहत दे दी है। ज्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का पुराना तरीका है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो अपनी अलग रैली किया करते थे और अब वो भाजपा में हैं तो अब भी वो अपनी अलग रैली कर रहे हैं। यानी भाजपा नेताओं का कहना है कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का पुराना स्टाइल है, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है और ना ही बीजेपी को वीरेंद्र सिंह की रैली से कोई दिक्कत है। यहां तक कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव से जब मीडिया ने वीरेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने को लेकर सवाल पूछा तो बिप्लव देव ने वीरेंद्र सिंह की धमकी को बिल्कुल हल्के में लेते हुए कहा कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक तरह से देखें तो वीरेंद्र सिंह की धमकी को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता सीरियस नजर नहीं आया और ज्यादातर नेताओं ने यही कहा कि ये सब वीरेंद्र सिंह का पुराना तरीका है। और अब बात करते हैं हम कांग्रेस की, क्योंकि इस बात की चर्चा थी कि जिंद की रैली के जरिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह के सामने कोई घास नहीं डाली। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के बीच जो आपसी लड़ाई शुरू हुई थी वो कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्हें 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से जब उनके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की खबरें चल रही है तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। किसी भी कांग्रेस नेता ने वीरेंद्र सिंह को वापस लाने की बात नहीं की है। यानी एक तरफ बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक फूस पटाखा मान लिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उनको कोई घास नहीं डाली है। ऐसे में देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या उन्हें आने वाले समय में जेजेपी के साथ हिसार और उचाना की सीट को लेकर समझौता करना होगा या फिर वो बीजेपी को अलविदा कह देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।